बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भारत के दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बेदखल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने के कारण उन दोनों स्टार्स को यह सजा दी गई है। दोनों खिलाड़ी फिट थे, लेकिन फिर भी बार बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। इसको लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सवाल भी उठाए कि जब ईशान किशन श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, फिर हार्दिक पांड्या के साथ कैसे कर लिया। पांड्या भी लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई सूत्र ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर उन्होंने क्या कहा। हार्दिक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होने के कारण इरफान पठान द्वारा हार्दिक पांड्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर उठाए सवाल कल से ही सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर फैंस भी इरफान पठान के इस सवाल का समर्थन कर रहे हैं और इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। हार्दिक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे, इस कारण से खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद से ही खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलते नहीं दिखे। खिलाड़ी काफी समय से ठीक हो चुके हैं और मैदान पर प्रैक्टिस के लिए वापसी भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। यह सवाल बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट सामने आने के बाद से ही खूब सुर्खियों में है। अब बीसीसीआई के एक आधिकारिक सूत्र ने इस सवाल का जवाब दे दिया है, चलिए आपको बताते हैं क्या है इसका कारण। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने हार्दिक पांड्या से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को लेकर बातचीत की थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के अनुसार पांड्या अभी तक रेड बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है। इस कारण से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का फॉर्मूला पांड्या पर अभी फिट नहीं बैठ पाएगा। इस कारण से पांड्या ने कहा कि वह जब भी भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे, वह सैयद मुश्ताक अली T20 और विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते दिखेंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर पांड्या ने जो वादा किया है उसे पूरा नहीं करते हैं तो बीसीसीआई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें।